सो वेलकम दोस्तों, एक नया वीडियो फिर से आ गया, मनी हाइस्ट सीजन 5 ट्रेलर वॉल्यूम 1। तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। क्या सीजन 4 मैंने देखा, क्या 3 देखा, 2 देखा, 1 देखा, नहीं। तो हम सीधे रिव्यू करने वाले हैं सीजन 5 मनी हाइस्ट ट्रेलर का। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा अपने जर्नी, जब मैं सीजन 1 से सीजन 4 आज से देखना चालू करूँगा, और जब तक वो सीजन 5 आएगा आपको एक बेहतरीन कंटेंट मेरे तरफ से मिल जाएगा। तो हमने देखा है सीजन 1, फाइनली कंप्लीट कर लिया। उसके बेसिस पर जो ट्रेलर हमको समझ में आया वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ प्रोफेसर थे कि 20 दिन में पैसा डबल कर देंगे। अक्षय कुमार का डायलॉग मनी हाइस्ट ने कॉपी कर लिया। तो काफ़ी चीज़ बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जो मनी हाइस्ट ट्रेलर वॉल्यूम 1, जिसमें अप्रॉक्स 10 एपिसोड थे, लेकिन आपको वॉल्यूम 1 में 5 एपिसोड और 2 महीना बाद आपको अगला 5 एपिसोड दिखाया जाएगा। मतलब इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर सीजन 1 से देखा जाए सीजन 4 तक, तो उन्होंने हर एंड पे आपको एक हाईली सस्पेंस छोड़ा है कि आदमी वेट करते हैं कि उसको सीजन आए, जबरदस्ती वेट करते हैं और जानते हैं कि मनी हाइस्ट सीजन बनाएगा, इसीलिए उनको इस तरह का वो वैल्यू पहले ही से प्रोवाइड कर देते हैं कि इसकी सीजन आए। और प्रोफेसर जो पैसा डबल करने वाले हैं वो फाइनली डबल करें, और चोरों का गैंग सबसे बढ़िया मनी हाइस्ट में दिखाया जाता है, जिसको टिपिकली आप वर्ल्ड का बेस्ट सीरीज मान सकते हैं। टिपिकली हर के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, हर के अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन टिपिकली ओवरऑल आईएमडीबी ने भी इसको बोला था कि वर्ल्ड का बेस्ट सीरीज है। जहाँ तक सस्पेंस की बात की जाए, तो सस्पेंस हम लोग सोचते हैं कि एंडिंग में मिलेगा, क्लाइमेक्स में मिलेगा, नहीं, बीच में मिल जाएगा। सब कुछ आपको अनप्रेडिक्टेबल होगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा मिश्रण होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगा, और हर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, जिसमें बेसिकली वो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि चलिए हमको ये सीन देखना है, हम लोग बहुत एक्टिव है कि ये चलना चाहिए। हमारे हिसाब से उन्होंने स्ट्रक्चर ही इस तरह का सीरीज किया है ना कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ट्रेलर ज़्यादा कुछ दिखाता नहीं है, लेकिन बेसिकली उसकी सीरीज से ज़्यादा आपको यूनिक दिखाती है, एक अलग लेवल का प्रिटेंड करके दिखाती है कि जी हाँ मैं ही हूँ खलनायक बेसिकली मनी हाइस्ट में, जहाँ पे आप मतलब सोच रहे होंगे कि चलिए ये चोरी हो जाए और हो जाएगा। मतलब कंटेंट इस तरीके का बनाया हुआ है ना कि आपको जिस डिमांड पे आप है ना, उस डिमांड पे आपको कंटेंट किया जाएगा। जैसे अभी क्या चल रहा है, रील्स चल रहा है, शॉर्ट्स चल रहा है, वीडियोज पर स्पैम घट रहा है, रील्स शॉर्ट चल रहा है, तो जो डिमांड है मनी हाइस्ट उस बेसिस पे स्ट्रक्चरिंग कंटेंट आपको देता है। जहाँ अगर म्यूज़िक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो म्यूज़िक उसकी ऐसी म्यूज़िक है आपको हिला डालेगी, पंप करेगी। मतलब वो जहाँ यूज़ करता है ना बैकग्राउंड म्यूज़िक, देखिए इंडियन सिनेमा में होता है कि भाई कुछ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट के नाम पे, म्यूज़िक के नाम पे ऐसा कुछ चलता है कि आपका दिल छू जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि भाई मैं ही हूँ खलनायक। तो कहीं ना कहीं जो खलनायक वर्ड बार बार आ रहा है ना मनी हाइस्ट में, आपको प्रोफेसर एक्स खलनायक का एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, एक रोल को समराइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको आपको हिट बैक कर देगा। हर एक म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, अपर म्यूज़िक हो, सीटी म्यूज़िक हो, कुछ भी चलता है भाई, दिल खोल करके चलेगा। और मतलब आप जब दिल जीत जाएंगे ना इस ट्रेलर से ही, आप समझ जाइए, जब उसके 4 सीजन आए थे ना, तो मैंने जब देखने चालू किया तो मेरे अंदर एक गूज बम लगने, अब क्या होगा। तो हमको लगा कि भाई मेरे लिए तो 4 सीजन है, मेरे लिए तो पूरा कहानी एक बड़ा हुआ है, बना हुआ है, पैकेज है। हम काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय। और अब ट्रेलर आ गया है सीजन 5 का। तो जहाँ तक अगर म्यूज़िक से अगर आप फ्लो देते हैं, कोई अच्छा म्यूज़िक देते हैं, तो आदमी उसमें डूब जाता है। वही करता है मनी हाइस्ट, जहाँ पे उसने म्यूज़िक दिया। देखिए आप ट्रेलर में ही म्यूज़िक देखेंगे, जब तक ट्रेलर एंड होगा आप पूरा ट्रेलर देख चुके होंगे, आप पूरा वीडियो देख चुके होंगे, उसी तरह से 4 एपिसोड तक प्रोफेसर एक चश्मा ठीक कर रहा है, म्यूज़िक दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप डूब गए। बेसिकली 1-2 एपिसोड तो आप निकाल देंगे म्यूज़िक पे, इतनी बेहतरीन म्यूज़िक है। तो कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक एक मेन कंटेंट माना जाता है किसी वीडियो का, कि आदमी को इंगेजमेंट बना के रखे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करे, और उस तरह से लेकर एक नया थीम दे आदमी को कि जिस तरीके से हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते जाएं। तो कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक होता है ना, सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी सीरीज या मूवी को एक अलग लेवल पर ले जाना, क्योंकि आदमी वो फील करता है। नीचे से बीट आते हैं तो बैकग्राउंड सुन होते थे, तो जहाँ तक आप ट्रेलर देख रहे थे ना, ये जो मिनट का ट्रेलर था वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। एक और रीज़न जो है मनी हाइस्ट पॉपुलर होने का, मैंने बहुत बारीकी से देखा कि उसके हिंदी डब, इतने हिंदी डब है कि अच्छे लगेंगे आपको, मतलब इंटरेस्ट लगेगा। देखो हिंदी डब अपने मातृभाषा में देखना, फीलिंग आता है, वो ट्रांसलेट आता है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि भाई टॉपिक ही चेंज कर देता है भाई, वर्डिंग चेंज कर देता है भाई, ये चेंज कर देता है, वो चेंज कर देता है। तो भाई वो स्पेनिश है, उसको इंग्लिश में डब किया, आप वहाँ से दिमाग लगा रहे हो, ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग हिंदी हैं और हिंदी में ही दिमाग लगाओ। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी डब था वो जो पॉपुलैरिटी को गेन करता है, जैसे हरियाणी बोल रहा है, कोई एक्टिंग अच्छा बोल रहा है, तो देखिए जहाँ ट्रांसलेट पे चल जाएगा तो कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, आपको ट्रांसलेट को अपने मद्देनजर रखते हुए ये काम करना होगा बेसिकली। और इन्जॉय कीजिए, कंटेंट इन्जॉय कीजिए, म्यूज़िक इन्जॉय कीजिए,
फिर ये हिंदी डब और वो सब का नहीं सोचिए, फील देखना। जब वो फील दे रहा है आपको, स्टोरी समझ में आ रहा है, क्योंकि मूवमेंट देखिए आप ऐसे भी, अगर कोई भी वीडियो देखते कोई भी लैंग्वेज का, उसे वीडियो से ही अगर आप मूवी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हुआ तो ये बोला होगा तो भी ये हुआ, तो कहीं ना कहीं हिंदी डब आप जब आपको फील दे रहा है तो उसमें आप फिर ये मत कहिए कि भाई हिंदी डब अच्छा नहीं। तो हर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ भी एक लेवल का वर्क हो चुका है, उन्होंने फाइनल टच दिया, जानते हैं कि वो क्या आउटपुट देगा। उसके बाद भी आप हिंदी डब करते हैं, फिर स्पेनिश में बोलते हैं, तो वो बेसिकली हम जान रहे हैं कि उसको इंग्लिश में डब किया फिर हिंदी में डब किया, तो बहुत सारे लोग लगते हैं। तो हिंदी डब पे भी जो बेसिकली कॉन्ट्रोवर्सी उठती है ना कोई भी सीरीज़ की, मैं मनी हाइस्ट की बेसिकली बात नहीं कर रहा हूँ, उसके कॉन्ट्रोवर्सी सीरीज़ के लिए, तो उसमें पता चलता है कि जी हाँ ये सही है, आप देखो इन्जॉय करो रेटिंग करो, रात में सुन जाओ बीवी के साथ भाई, तो ठीक है। इस तरह का कॉन्टेंट देते हुए वो मनी हाइस्ट हिंदी डब पे भी सबसे ज़्यादा काम किया। तो जहाँ तक अगर कैरेक्टर की बात की जाए, तो कैरेक्टर आपको बेमिसाल है भाई, एक्टिंग इतना बेमिसाल है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आगे स्टोरी कहाँ से कहाँ ले जाएगी। उन कैरेक्टर के दम पे, उन डबिंग आर्टिस्ट के दम पे आपको एक फील, एक म्यूज़िक का फील, एक ट्रेलर का फील और एक डबिंग का फील आपको इस दिल को छू जाएगा ना। मतलब आप कहिएगा कि हाँ अरे ये कहानी कहाँ ले गई, ये कहानी वहाँ ले गई। तो कहीं ना कहीं जो कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं है, बेसिकली जो बॉलीवुड सिनेमा होता है सब कहानी प्रेडिक्टेबल, यहाँ का कहानी समझ नहीं आता कि अगले पल आप किस मोड पर पहुंच जाएगा, अगले पल आपको क्या वो दिखाएंगे। तो जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया ना, उस तरीके से उन्होंने माइंड में स्ट्रक्चर कर चुका है, ह्यूमन माइंड में जो व्यूअर्स होते हैं ना, व्यूअर्स का माइंड में स्ट्रक्चर कर चुका है कि वो जो सोचेंगे वो होगा नहीं, और जो नहीं सोचेंगे वो भी नहीं होगा। मतलब जो कैरेक्टर की परफॉर्मेंस है आपको इतना टाइट पैक करके रखे कि लगे वाओ कि दिस इज द गेम भाई, दिस इज द गेम। तो कहीं ना कहीं जो पूरी स्टोरी को वन बाई वन इतने तरीके से दिखाया गया, मैंने सीज़न वन ही देखा और सीज़न टू स्टार्ट किया है, उसके बेसिस से बता रहा हूँ कि जो ट्रेलर में हमने जो जो चीज़ समझा, पहले तो प्रोफेसर को समझा, पहले उसके बाद स्कीम्स को समझा, तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट से रिलेटेड चीज़ को दिखाया गया, बेसिकली वो बहुत चाहते हैं इमार्केबल था, एक यूनिक क्रिएचर को डिफाइन करता है, एक यूनिटी को डिफाइन करता है कि जी हाँ मैं ही हूँ खलनायक। तो बेसिकली जो खलनायक वर्ड डिराइव हुआ इस पैक ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर आपको दिल जीत सकता है, कैरेक्टर आपको स्टोरी में मन के रख सकता है, इसीलिए हो सकता है कि वर्ल्ड ये पॉपुलर वेब सीरीज बन जाए, हो सकता है गेम्स ऑफ थ्रोन जैसे लिस्ट में ये सामने आ जाए, हो सकता है कि बिग बैंग थ्योरी हमें दिखने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये सीरीज था वो आपको गो फ्लो लाइन्स में था, गो फ्लो लाइन्स में, जो एक बहुत ही बेहतरीन एक मतलब इमार्केबल स्ट्रेटजी को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस सीरीज में डूब के रह जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इमार्केबल स्टोरी लगेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या बात की, तो हम लोगों ने जहाँ बात किया ट्रेलर, पॉपुलर म्यूजिक, डब, और अब बात करते हैं समरी। तो कहीं ना कहीं जो मनी हाइस्ट सीजन फाइव आ रहा है, बेसिकली एक नया स्ट्रक्चर प्लान जहाँ आपको बांध के रखेगा, जहाँ आपको इन्जॉय करने में मजबूर कर देगा, जहाँ पे आपको कंटेंट दे देगा, लेकिन क्या इसको आप वर्ल्ड का बेस्ट सीरीज कर सकते हैं? तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिव है, कमेंट में कहिए हमें कि यह वर्ल्ड का बेस्ट सीरीज है या वह सीरीज है, क्योंकि हर तरह के सीरीज का नज़रिया होता है। हम देख रहे हैं कोई सीरीज हमको बहुत अच्छा लगा, हम देख रहे हैं कोई सीरीज हमको बहुत खराब लगा, हम देख रहे हैं मिर्जापुर बहुत अच्छा है भाई बहुत अच्छा, लेकिन हमने देख रहे हैं सेक्रेट गेम बहुत बेकार है भाई बहुत बेकार, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्रेट गेम कभी अच्छा हो सकता है तो मिर्जापुर कभी बेकार हो सकता है, या इसीलिए मनी हाइस्ट का वर्ल्ड का बेस्ट सीरीज बन सकता है। तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि अगर ये वर्ल्ड का बेस्ट सीरीज बन सकता है तो कौन सा वह सीरीज बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आप हमने सीज़न देखा, सीज़न वन कंप्लीट किया, तो बहुत सारे लूप होल्स, बहुत ही सारा इतना ज़्यादा लूप होल्स दिखा के बेसिकली आप उस पर डील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं सीज़न फाइव से, क्या वो उतर के आएगा, क्या आपको दिल खुश कर जाएगा, इसके लिए देखना होगा सीज़न फाइव वॉल्यूम वन, जिसमें 5 एपिसोड ही आएगा और 2-3 महीने बाद फिर 5 से 5 एपिसोड आएगा। तो यही है इस पूरी की गाथा। आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो लगाए, लाइक मारता और उसके बाद सब्सक्राइब दबा दो, 2K करो भाई 2K। तो मिलते हैं अगले वीडियो, टिल देन बाय।